हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी का और नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये मिडिल पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। हमारे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या होता है कि क्रैनियम से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। जैसे हम इस ब्रेन की बात करते हैं तो ये जो ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो चारों ओर से क्रैनियम के द्वारा क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। क्रैनियम ये हमारे जो खोपड़ी के ऊपर ये जो हड्डियां पाई जाती है, इनको हम क्रैनियम बोलते हैं। और ये 8 हड्डियों से बना एक स्ट्रक्चर होता है ये जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्रैनियम के बीच में यहां पर एक लेयर पाई जाती है यहां पर, ठीक है। एक ये यहां पर क्रैनियम होता है और यहां पर क्या होता है, उसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है। मतलब ये क्रैनियम हो जाता है और उसके अंदर एक लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये जैसे यहां पर लेयर है, इसको बोलते हैं मेनिंग्स, ठीक है। ये मेनिंग्स नाम की लेयर होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और इन्हीं के बीच में एक लिक्विड फील होता है। उस लिक्विड का फंक्शन क्या होता है कि बाहर से अगर कोई भी धक्का लगता है तो वो क्रेनियम को लगता है, पहले तो क्रेनियम उसको प्रोटेक्ट कर दिया। फिर क्रेनियम के बाद अंदर एक लेयर होती है जिसके मेनिंग्स बोलते हैं, और वहां पर एक लिक्विड फिल होता है जो पूरी तरीके से ब्लड को क्या करो सॉरी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब ब्रेन को जब ये प्रोटेक्ट करता है तो बाहर से लगने वाले धक्के जो भी होते हैं वो हमारे ब्रेन को नहीं लग पाते और हमारा ब्रेन क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। अब इस ब्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जितनी भी हमारे बॉडी की एक्टिविटी, चाहे सुनना हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, मतलब जो भी एक्टिविटी होती है, उन सभी का कंट्रोल कहाँ पर होता है, तो हमारे ब्रेन पर होता है। इस ब्रेन के द्वारा ही पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। आइए ब्रेन के कुछ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर अगर देख लीजिएगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ब्रेन का जो ये पार्ट होता है यहाँ पर, इसको कॉर्डेट न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। यानी इस पार्ट को, ब्रेन में जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे शरीर की जो ग्लैंड होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, और सबसे मतलब काफी छोटी दिखाई देती है, लेकिन इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोलते हैं। मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ग्लैंड का कंट्रोल, इस ग्लैंड का यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल जो होता है वो ऑल ऑफ जितनी बॉडी में हमारी ग्लैंड्स होती हैं उन सब पर कंट्रोल रहता है। यानी सब इसी के द्वारा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही कहीं ना कहीं वर्क करती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि ब्रेन का यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोन्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है और इसी के थ्रू देखा होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जुड़ी होती हैं। ये ब्रेन होता है और ब्रेन यहाँ पर हमारा, ये जैसे ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को या जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज होती है उन सभी को, उन मैसेज को लाने ले जाने का काम होता है, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है और आपको पता है कि इसमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इतना हो गया था, इधर देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट यहाँ का होता है इसको बोलते हैं रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये होता है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर यहाँ से अगर हम बात कर लें, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का अगर कनेक्शन हट जाता है या कहीं से कट जाता है, या कहें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन नहीं होता है, तो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ना ही तो मैसेज ऊपर आ पाएगा और ना ही तो मैसेज ब्रेन के द्वारा बॉडी में जाएगा और ना ही तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी के जो इम्पुल्स होंगे वो ब्रेन को जाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का एक अहम रोल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है।
ये आ जाता है हमारा सेरिबेलियम पार्ट। ये आपको पता है कि सेरिबेलियम ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। आगे देख लेते, ये जो पीछे का पार्ट होता है, उसके बाद में ये आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। यहां पर अगर हम बात कर लें तो ये मिड ब्रेन होता है हमारा, ठीक है, ये यहां पर मिड ब्रेन होता है। और यहां पर अगर बात करें, ये यहां पर छोटा सा जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस, ठीक है। ब्रेन के अंदर ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। और थैलमस के बगल में यहां पर ये क्या होता है हमारा, हाइपोथैलमस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये जो खाली वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस कैल्सम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो पार्ट होता है, ये यहां का अंदर का, इसको बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये ब्रेन के कुछ पार्ट थे। ब्रेन को हम कितने पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन, यानी तीन भागों में हम ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ठीक है, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। ब्रेन हमारा, देखो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारा नर्व सेल से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि नर्व सेल से मिलकर बना होता है, मतलब ये ऐसी नर्व सेल, सबसे पहले नर्व सेल क्या होती, हमारी सबसे बड़ी सेल होती, और इनमें क्या होता है, ना ही तो रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है और ना ही तो इनको दोबारा से बनाया जा सकता है, यानी रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती। नर्व सेल ऐसी सेल होती कि बॉडी में एक बार बन गई जो पहले, उसके बाद में फिर बॉडी में ये अगर कहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर ये फिर से नहीं बनती, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्रेन होता है, ये पूरा नर्व सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये नर्व सिस्टम का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, उस सभी नर्व सिस्टम का जो कंट्रोल होता है, ये हमारे ब्रेन के पास ही होता है। ब्रेन हमारे पूरे नर्व सेल को, सॉरी नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, और उसमें ये स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नर्व सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए ब्रेन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होता है क्रैनियम के अंदर, ठीक है। क्रैनियम आठ हड्डियों का एक ऐसा समूह होता है, जो हमारे ऊपर से ये क्रैनियम का पार्ट होता है ब्रेन का, और ये क्रैनियम के द्वारा, क्रैनियम उस ब्रेन को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन क्रैनियम के अंदर अगर हम ब्रेन को निकाल के देखें तो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्पंजी दिखाई देता है, ठीक है। ब्रेन को आप अगर क्रैनियम हम हटा देते हैं तो ब्रेन अंदर क्या होता है, स्पंजी बिल्कुल होता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रेन में अगर थोड़ी सी कोई चीज चुभ जाती है तो वहां से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पंजी होता है, लेकिन ये क्रैनियम के अंदर रखा होता है जो पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम प्रोटेक्ट करेगा, उसके जाके मेनिंग्स होगा, एक लेयर पाई जाएगी, वो प्रोटेक्ट करती है। मेनिंग्स और लिक्विड जो इनके बीच में, जैसे ये मेनिंग्स है और यहाँ पर क्या होगा, एक लिक्विड भी भरा होगा चारों ओर से, ठीक है। तो अगर क्रेनियम पर कोई धक्का लगता है तो वो यहीं तक सीमित रहता है, हमारे ब्रेन तक नहीं जाता, और ब्रेन को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रहते हैं, ठीक है। एक बार अगर ब्रेन हमारा पूरी तरीके से खराब हो जाता है या कहीं ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाती है तो समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे बॉडी का यही रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रेन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक।